जय जननी जय जन्मभूमि, मैं धर्मेंद्र कुमार पायोनियर कंप्यूटर फ्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग विंडोज 10 के सेटिंग में जो ये पर्सनलाइज है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको खोलने का एक तरीका, तो आप राइट क्लिक करें, अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश जहाँ पर आपका आता है सॉर्ट बाय व्यू वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पर्सनलाइज क्या करता है। तो राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइज पर क्लिक कीजिए, आपका इस तरह से सेटिंग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये खुल जाएगा। पर्सनलाइज का सेटिंग, इसमें बैकग्राउंड है, कलर है, लॉक स्क्रीन है, थीम्स है, फॉन्ट है, स्टार्ट है और टास्क बार है। तो हम यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। विंडोज पर्सनलाइजेशन सेटिंग के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे जो इसको खोलने का कौन कौन सा तरीका है। तो जैसे हमने इसको, हम यहाँ से काट देते हैं फिलहाल, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया, जो इस पर राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइजेशन पर जाके आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको यहाँ से दिखाई देने, यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह सब हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको हम यहाँ से फिर फिलहाल बंद करते हैं। दूसरा तरीका है, आप स्टार्ट में जाइए, यहाँ से सेटिंग है, डायरेक्ट आप स्टार्ट बटन पर जाते हैं। यहाँ से देखिए ये सेटिंग आपका, यहाँ से जब आप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे है पर्सनलाइजेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यही खुलेगा जहाँ की आप बैकग्राउंड वगैरह सबको चेंज कर सकते हैं। इसको और भी खोलने का तरीका है, फिलहाल हम यहाँ से फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट सर्च में सेटिंग लिख दीजिए, SE लिखे, यहाँ पे आगे आपका सेटिंग एप्स, इस पर क्लिक कीजिएगा उसी तरह का खुलेगा। और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका बैकग्राउंड वगैरह सब फिर चेंज करने के लिए वो आपका खुल जाएगा, यानी पर्सनलाइजेशन आपका खुल जाएगा। फिलहाल फिर हम यहाँ से बंद करते हैं, काहे कि इसको और भी कई तरीके हैं खोलने का। आप स्टार्ट में जाइए, यहाँ जो ABCD देख रहे हैं किसी पर भी क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। चूँकि सेटिंग से S से शुरू होता है तो S पर हम क्लिक किए, यहाँ पे देखिए सेटिंग आ गया, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका पर्सनलाइजेशन यहाँ आ गया, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से खुल जाएगा। यानी कई तरीके हैं खोलने का, और भी तरीके हैं। यहाँ से इसको फिलहाल बंद कीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, मैनेज नोटिफिकेशन पर जाइए और यहाँ से होम पर क्लिक कीजिए, फिर आपका पर्सनलाइजेशन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा और इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह सबको चेंज करने के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया खोलने का कई तरीके, जो हम पर्सनलाइजेशन को हम किस तरह से खोल सकते हैं विंडोज 10 में। तो आज हम लोग इसमें ये जानेंगे जो विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड हम कैसे बदल सकते हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड में सॉलिड कलर और स्लाइड शो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में फिल फिट स्ट्रेच टाइटल सेंटर और स्पेन हम कैसे करवा सकते हैं, विंडोज 10 में एशियन कलर को बदलना, विंडोज 12 को लाइट डार्क और कस्टम मोड में बदलना, विंडोज सेटिंग और एप्स में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को लगाना, और लास्ट में स्टार्ट मेन्यू टास्क बार और एक्शन सेंटर का कलर बदलना, ये सब हम इसमें जानेंगे जो हम किस तरह से कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन खोलने का और भी तरीके हैं, चलिए हम फिलहाल यहाँ से इसको बंद करते हैं और देखते हैं एक और तरीका, यानी लोगो बटन, जो आपके कीबोर्ड में लोगो बटन है, लोगो बटन और आई दोनों को एक साथ दाब दीजिए, आपका सेटिंग खुल जाएगा। और सेटिंग खुलने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनलाइजेशन आ गया, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपका पर्सनलाइजेशन खुल जाएगा। विंडोज पर्सनलाइजेशन है क्या? तो विंडोज में पर्सनलाइजेशन सेटिंग का एक समूह है जो आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडोज कलर, लॉक स्क्रीन, बैकग्राउंड जो यहाँ पर देख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, लॉक स्क्रीन, थीम, फॉन्ट, ये सब आपको यानी बहुत कुछ बदलने देता है।
और इससे स्टार्ट मेनू और टास्क बार को व्यवस्थित करता है। इसे विंडोज 10 की पूरे लुक को बदल सकते हैं, यानी पर्सनलाइजेशन से आप पूरे विंडोज 10 की लुक को बदल सकते हैं। चूंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जो पर्सनलाइजेशन में यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड बदलने के लिए यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे कलर है तो कलर के लिए यहाँ पे दे रहा है, खुल रहा है ऑप्शंस। यहाँ पे लॉक स्क्रीन है तो इस तरह से आपका खुलेगा। यहाँ पे थीम का है तो थीम खुल जाएगा। फॉन्ट तो यहाँ से फॉन्ट का आपको दिखाएगा, और स्टार्ट तो यहाँ से स्टार्ट का जो ऑप्शन सब है वो सब आ जाएगा। और यह टास्क बार के लिए है, यानी पर्सनलाइजेशन से आप पूरे विंडोज 10 का लुक को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जान लें। तो यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, इसमें और भी ऑप्शन है, सॉलिड कलर है, स्लाइड शो है वगैरह। तो सबसे पहले हम पिक्चर में जाते हैं। यहाँ पे जो भी पिक्चर हैं अभी देख लीजिए, पीछे बैकग्राउंड में कौन सा पिक्चर है, तो देखिए ये पिक्चर है और हम इसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये इस पर क्लिक कर दिए, ये क्लिक करते के साथ पीछे देखिए बैकग्राउंड यहाँ पर दिखा रहा है, बैकग्राउंड यहाँ पर आपका चेंज हो चुका होगा। देखिए चेंज हो गया। पुनः यहाँ आइए, यहाँ पर जो भी और दूसरा है यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूज योर पिक्चर पर क्लिक करेंगे और आपका बैकग्राउंड में यहाँ पर बदल देगा। देखिए यहाँ पर भी आपका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। तो यहाँ से भी हम पिक्चर को ला सकते हैं। और भी पिक्चर अगर लानी है तो ब्राउज कीजिए, आपका यहाँ पे जहाँ पे भी आपका पिक्चर होगा, माय पिक्चर में या चाहे जहाँ भी जिस ऑप्शन में होगा वहाँ से आप पिक्चर को आप ला। जैसे ये पिक्चर है, इस पर क्लिक करके यहाँ से चूज पिक्चर पर क्लिक कर देंगे, वो आपका तत्काल यहाँ पे आ जाए। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जिस पिक्चर को हमने चूज किया था वो पिक्चर यहाँ आ चुका है। उसी तरह से जो भी ब्राउज करके जो भी पिक्चर पर क्लिक, देखिए ये पिक्चर को हमको लानी है तो चूज पिक्चर पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ यहाँ वो पिक्चर आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से बैकग्राउंड को हम देख सकते हैं जो पीछे हमारा चूज किया हुआ पिक्चर आ गया है। तो इस तरह से हम यहाँ से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ से सॉलिड कलर, और एक चीज़ इसमें और है, तो जो भी पिक्चर यहाँ से हमने सेट किया, यहाँ से फिल है, यहाँ को कुछ ऑप्शन देता है, जैसे फिट है, सर्च है, टाइल है, सेंटर है, स्पान है। जैसे फिल है, अभी क्या है कि फिल है तो पूरे पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि इस पर यहाँ से फिट कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड यहाँ से ब्लैक कर देगा दोनों तरफ और पिक्चर को एडजस्ट कर लेगा। पुनः यहाँ से देखिए फिट है, यहाँ से स्ट्रेच कर दीजिए, पूरे स्क्रीन पर आपका फोटो आ जाएगा, जहाँ तक आपका पूरा स्क्रीन है वहाँ तक आपको स्ट्रेच में है। टाइल में इस तरह का हो जाएगा, यानी पिक्चर को चार भाग में भी यहाँ पे बांट के दे सकता है, ये टाइल करेगा। सेंटर में अगर कर देते हैं, सेंटर पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए बैकग्राउंड काला कर दिया और यहाँ पे सेंटर यानी बीच में उस फोटो को डाल दिया। यानी इस तरह से आप यहाँ से बैकग्राउंड स्पैम कर देते हैं, यहाँ से ये किए तो थोड़ा सा जूम करके फोटो को डाल देगा, ये फोटो को जूम किया हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा आप स्टेज पर करके देख लीजिए, यहाँ से ये आपका या फिट कर दीजिएगा तो यह पुनः या फिल के लिए पूरे आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को हम यहाँ पे लाके और उसको जिस कैटेगरी में रखना चाहते हैं यहाँ से उसको हम रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्पान, ये है जो कि बड़ा पिक्चर रहता है, और डुअल मॉनिटर का अगर यदि आप यूज कर रहे हैं तो उस पोजीशन में स्पैन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चूंकि अभी हम अपने सिस्टम में एक ही मॉनिटर का यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फिल करके रख दिया है। और यदि दो मॉनिटर का हम यूज करते, एक ही सीपीयू में दो मॉनिटर का यूज करते तो ये अलग अलग आधा दे देता एक मॉनिटर पर और आधा दूसरे मॉनिटर पर। अब है यहाँ पे सॉलिड कलर, इस पर हम क्लिक करते हैं। यदि हम किसी कलर पर क्लिक कर देते हैं, देखिए ये कलर जो हमने लिया बैकग्राउंड, देखिए ये कलर सिर्फ आ गया, यानी कोई पिक्चर नहीं रख के सिर्फ कोई कलर देना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे तो आप यहाँ से दे सकते हैं।
यदि यहाँ से दूसरा कलर कर देंगे, कोई भी दूसरा कलर, देखिए ये कलर हरा, आप देखिए यहाँ पे पीछे आपका वही सॉलिड कलर यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से मनचाहे जो यहाँ पे कलर है उसके मनचाहा अगर आप कलर देना चाहते हैं, देखिए यही ग्रीन है, यहाँ पे आप कर लीजिए तो हल्का फीका फीका कर सकते हैं, यहाँ से गाढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से डन कर लीजिए। यही कलर जो हमने अभी अभी बनाया है, देखिए इसमें आ गया और ये बैकग्राउंड में आपका आ गया। तो यहाँ से चूज कलर से, कस्टम कलर से आप कोई भी कलर को बना के यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे अब है स्लाइड शो, स्लाइड शो पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। स्लाइड शो में क्या होता है कि पिक्चर यानी ये जो बैकग्राउंड है वो हमारा बदल बदल कर आता जाएगा, उसके लिए यहाँ पे सेटिंग की जाती है। जैसे यहाँ पे 30 मिनट दिया हुआ है, हम इसको 1 मिनट पर भी देख सकते हैं, 10 मिनट पर भी देख सकते हैं, 1 आवर, यानी उतने उतने देर पर ये पिक्चर चेंज होता जाए अपने आप। यानी यहाँ पर जो हम समय सेट कर देंगे उतने देर में वो आपका सेट पिक्चर जो किया हुआ है वो आपका यहाँ पे चेंज होता जाएगा। अभी जैसे हम पिक्चर्स पर किए हुए हैं, आप जो है जहाँ भी पिक्चर है वहाँ से आप पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए, या जो भी फोल्डर या जो भी अथी बनाया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर पिक्चर चूँकि नहीं दिखाई देगा लेकिन आप यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करके चूज दिस फोल्डर कर दीजिएगा, तो यहाँ से आप इसको ले लिया। और यहाँ से जैसे हम 1 मिनट कर दिए तो ये एक एक मिनट पर ये फोटो आपका चेंज होता चला जाएगा, यानी ये पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड जो है सो 1 मिनट पर चेंज हो जाएगा। अब है यहाँ पे सफल है, यदि हम इसको ऑन कर देते हैं तो ऑन करने के बाद जितना भी हमने पिक्चर को यहाँ से सेट किया है तो हम चाह रहे हैं कि 1 से 10 तक कोई पिक्चर है, जैसे 10 को पिक्चर हम लिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर पर डायरेक्ट खोलिएगा तो वहाँ से खुलेगा, तो हम 1 से 10 तक अगर मान लीजिए पिक्चर रखे हुए, देखिए यहाँ पे 1 मिनट में ये चेंज हो गया क्योंकि 1 मिनट हमने यहाँ पर सेट किया था, देखिए पीछे आपका ये आ गया है, आ चुका है, तो 1-1 मिनट पे यहाँ से चेंज होता रहा। ये 1 से 10 के बीच में वो चेंज करता रहेगा सफल में अगर कर देंगे तो, नहीं इसको ऑफ भी रखिएगा तो आपका ये 1-1 मिनट में चेंज सीरियली बाय 1, 2, 3 करके आपका चेंज होता चला जाएगा। नहीं इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो जो जो पिक्चर पर आप क्लिक कीजिएगा वो पिक्चर आपका वहाँ पे सेट होता चला जाएगा। यहाँ पे है चूज ए फिट, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो फिल करने से क्या होता है, फिट करने से क्या होता है, स्ट्रेच करने से क्या होता है, तो वो जो यहाँ से आप लीजिएगा, जैसे हम यहाँ से स्ट्रेच करवा देते हैं तो यहाँ से ये इस अथी पर स्ट्रेच पर सेट हो गया और जो भी पिक्चर रहेगा उसको स्ट्रेच में ही ये करता जाएगा, यानी 1-1 मिनट पर ये चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ से आप नहीं, अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट से पहले हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, इससे पहले चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका तुरंत क्विक आपका चेंज होता चला जाएगा। तो वहाँ पर अगर हम ये सेटिंग कर देते हैं जो 1 मिनट पर या चाहे 10 मिनट पे या 30 मिनट पे या 1 आवर पर, तो ये आपका ऑटोमेटिकली पिक्चर जो है सो चेंज होता चला जाएगा। ये स्लाइड शो करने से ये फायदा है। अब है यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड तो हम लोगों ने देख लिया, अब है यहाँ से कलर। कलर पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर है चूज योर कलर, यहाँ से चूँकि कस्टम पर है तो कस्टम क्या है वो हम बाद में बताते हैं, फिलहाल आप पहले लाइट कलर पर देख लीजिए। लाइट कलर यदि कर लेते हैं तो ये जो आपका जो विंडोज़ का जो ये खुलने का जो ये है वो लाइट मोड में आ गया, तो ये लाइट मोड में आपका खुलना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड तो वही रहेगा लेकिन ये सब जो टास्क बार था, ये जो स्टार्ट बटन थे, वहाँ पर आपको लाइट कलर में दिखा रहा है। यदि आप यहाँ से लाइट से डार्क कर देते हैं तो ये डार्क मोड में चला आएगा, यानी यहाँ से जब आप खोलिएगा तो ये डार्क मोड में रहेगा आपका, ये सब जो ऑप्शन सब था ये पर्सनलाइजेशन का जो ये सब जो, तो डार्क मोड में आ जाएगा। यदि आप कस्टम कर देते हैं तो यहाँ पे कस्टम आ जाएगा, यानी आप चाहते हैं चूज योर डिफॉल्ट विंडोज मोड, आप इसको लाइट कर सकते हैं तो लाइट कर दीजिएगा, तो ये जो आपका है विंडोज टास्क बार वगैरह यहाँ से जो विंडोज़ खोलते हैं तो ये लाइट कलर में आपका आ जाएगा, और बाकी जो है सो ये जो आपका जो चूज योर डिफॉल्ट एप्स मोड जो है सो आपका डार्क रहेगा। यदि आप इसको भी डार्क कर देते हैं तो ये डार्क हो गया, यानी टास्क बार और विंडोज़, और इसको अगर लाइट कर देते हैं तो ये आपका लाइट हो गया, अब विंडोज़ आपका डार्क हो गया। तो कस्टम में आप ये दो गो यहाँ से कर सकते हैं। अब है यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स हैं,
इसमें क्या है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका जो कलर है वो बैकग्राउंड का जो कुछ कलर सब जो है वहाँ पे आपको लिए हुए हैं। देखिए हम इसको हटाते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा, तो ये बंद हो गया। तो देखिए पीछे का जो आपका जो कलर था वो आपका नहीं दिखा रहा, बैकग्राउंड वाला जो कलर वगैरह सब था वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, ये डार्क में आ गया। और यहाँ से फिर से ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो देखिए पीछे का जो डेस्कटॉप का जो पिक्चर का जो था ये वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट के बाद है यहाँ पे रिसेंट कलर। अभी क्या है कि ये जो देख रहे हैं बटन, जिसको हम ऑन ऑफ बटन भी हम कहते हैं, इसको इसका कलर है ब्लू। तो देखिए यहाँ पे अभी ब्लू किया हुआ है, इसलिए अगर हम इसको रेड कर देंगे तो रेड हो जाएगा। देखिए इस पर हम क्लिक किए तो रेड हो गया। अब यह क्या होगा कि यदि हम ये बटन भी हम खोलेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ रेड जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से आप फिर यहाँ से कलर को चूज भी करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ का भी कुछ जो है सो बटन सब, जैसे ब्लू कर दिए, देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया नीचे नीचे साइड, या फिर आप स्टार्ट बटन पे जाइएगा तो कुछ ये जो ब्लू हो गया लोगो बटन ब्लू हो गया। रेड कर देंगे तो ये भी रेड हो जाएगा, देखिए इसके नीचे में भी ये सब भी रेड रेड हो जाएगा। तो ये कुछ कलर आप यहाँ के ये सबको चेंज करने के लिए दिया गया है। यदि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टाइटल बार एंड विंडोज बॉर्डर, इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, यदि आप नोटपैड खोल लीजिए, यहाँ से नोटपैड खोलिए तो देखिए नोटपैड का भी ये कलर चेंज कर दिया। यदि हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं, ब्लू पर क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ भी ब्लू हो गया और टाइटल बार में यहाँ का नो का चिन्ह लगा हुआ है। अब नोटपैड को खोलिए, देखिए यहाँ का जो टाइटल बार है उसको भी वो कलर में चेंज कर दिया। यदि हम रेड करते हैं, रेड करने के तत्काल बाद ही देखिए यहाँ पे तुरंत टाइटल बार को भी रेड कर दिया, यहाँ भी रेड हो गया। यदि स्टार्ट बटन पर अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर भी देखिए टास्क बार, चूँकि यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर यानी यहाँ यहाँ पर भी आपको वही कलर दे दिया रेड, टास्क बार को भी रेड कर दिया और यहाँ भी आपका रेड रेड कर दिया। यदि यहाँ से फिर से हम चेंज करके देखते हैं, हम इसको कलर कर देते हैं, ये हरा कर देते हैं, अब देखिए यहाँ भी हरा कर दिया टाइटल बार के नज़दीक, और आपका ये इसको भी हरा कर दिया, टास्क बार को भी हरा कर दिया। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो वहाँ से आप यहाँ से ये वगैरह वगैरह सब सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको जो ये कलर दिखा रहा है, देखिए बॉर्डर में भी दिखा रहा है वही कलर, देखिए रेड करके दिखाते हैं तो स्पष्ट पता चल जाएगा। अब देखिए ये रेड बॉर्डर भी आपको रेड दिखा रहा है, टाइटल बार तो आपका रेड है ही। अगर नहीं इसको आप नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन सबको आप हटा दें, सिर्फ यहाँ पर रेड किया हुआ तो सिर्फ ये बटन ही सिर्फ आपका रह जाएगा, बाद बाकी आपका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रहेगा, देखिए इस तरह से। तो आप उसको यहाँ से ला भी सकते हैं, रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेटिंग दिया है, यहाँ पे एक दिया है ऑटोमेटिकली पिक एन एसियंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड, ये बहुत ही सुंदर ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे। अगर आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पे तो इसका क्या फ़ायदा है, ये दोनों क्लिक रहना चाहिए इस पर, और यहाँ भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ जो भी कलर हम दिए हैं वो तो आपका यहाँ तो रहेगा ही, यहाँ पर भी आपका वही कलर रहेगा जो हमने यहाँ सेट किया है, और इससे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक करवा देने से, यहाँ पे नो का चिन्ह लगा देने से आपका बैकग्राउंड का जो कलर है उसको ऑटोमेटिकली ये उसी कलर से यहाँ पे आपका डाल देगा, कुछ यहाँ का कलर वो अपने आप लेके और यहाँ पे आपका चेंज कर देगा ये सब का कलर। देखिए हम आप पीछे का हम कलर बदल, ये देखिए अभी आपका बदलाया और यहाँ का जो है सो आपका लोगो जो स्टार्ट बटन का जो है सो, और यहाँ पर जो है सो आपका ये सबका चेंज हो गया, कहे कि यहाँ का कुछ कलर यहाँ पे ले लिया। देखिए फिर से बदल के दिखाते हैं, यहाँ पे हमने बदला, देखिए स्टार्ट बटन में जाइए, देखिए फिर से ये चेंज हो गया, यहाँ पर क्लिक कीजिए ये चेंज हो गया। फिर से हम एक बार चेंज करते हैं, यहाँ से चेंज किए, आप देखिए यहाँ पर चेंज हो गया कलर, आपका स्टार्ट बटन का भी कलर चेंज हो गया। फिर से देखिए नेक्स्ट करके दिखाते हैं,
दूसरा पिक्चर लेके देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए कलर बदल गया, यहाँ पे देखिए आपका फिर से कलर बदल गया, यानी जो बैकग्राउंड का पिक्चर पीछे का बदलता चला जाएगा और उस हिसाब से आपका ये स्टार्ट बटन और टास्क बार और ये टाइटल बार का सबका कलर उसी हिसाब से आपका चेंज होता चला जाएगा। ये बहुत ही सुंदर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज 10 के थ्रू। और ये सब सेटिंग आप अपने सिस्टम पर करके देखिएगा, आपका सिस्टम देखने में बहुत ही सुंदर और स्मार्ट देखने में लगेगा, इसका लुक बहुत ही सुंदर, क्योंकि विंडोज 10 में बहुत सारा ऑप्शन दिए हुए हैं।